हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ मोहम्मद शफीक फ्रॉम IIT रुड़की, और कल मैंने आपको एक टॉपिक जो पढ़ाया था, नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम का एक पहला वीडियो मेरा अपलोडेड है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख लें। इस वीडियोस के साथ जो है उसका लिंक शेयर कर दिया हूँ। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके जिंदगी के लिए ये एक मैथमेटिक्स में एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करेगा। जो है जैसे कि घर बनाने के लिए एक एक ईंट जोड़ के घर बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी एक एक सेल से बनता है, ठीक उसी तरह इस मैथमेटिक्स में जब तक आप नंबर सिस्टम के बारे में नहीं जानेंगे तो आप अच्छे तरीके से मैथ्स को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमने ये टॉपिक जो है नंबर सिस्टम आपको लिया है। ये क्लास नाइन में चैप्टर नंबर 1 करके आपको ये NCERT बुक में दिया हुआ है। आप किसी अदर बुक्स को भी फॉलो करते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं सोचिए, इसको आप अपने जिंदगी के लिए एक बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट के रूप में सीखिए। जो है जानिए, समझिए, चाहे आप क्लास 7 के स्टूडेंट्स हों, 8, 9, 10, 11, 12, या आप किसी भी इंजीनियरिंग, मेडिकल और कोई भी चीज़ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और कभी भी आप इसको पाएंगे कि ये आपका एक जिंदगी में एक कंसेप्ट जो मिला नंबर सिस्टम के बारे में, वो आपको हर जगह हेल्प करेगा। सो बहुत कुछ डिटेल्स में नहीं जाते हुए डायरेक्टली हम लोग टॉपिक पर आते हैं कि कल मैंने आपको जब बताया था तो हमने नंबर सिस्टम के बारे में आपको नेचुरल नंबर्स, इसके पहले वाले वीडियो में, यदि अगर अब तक आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसमें ये वीडियो जो कल का वीडियो था उसका लिंक शेयर किया हुआ है, आप उस वीडियोज को पहले देख लें। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताया था, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इन्फिनिटी जो है। देन मैंने आपको बताया था जीरो उसमें ऐड कर देते हैं, अगर जीरो अगर उस सेट में ला देते हैं तो अब हमारा होल नंबर बन जाता है, होल नंबर विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी। देन अगेन मैंने आपको बताया था कि इस कंसेप्ट बताया था सीढ़ियों से चढ़ते हुए, 0, 1, 2, 3 सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, और जब हम लोग बॉटम में जाते हैं तो -1, -2, -3 ऐसे नीचे सीढ़ियां जाती हैं। तो हमने आपको उस कंसेप्ट में इंटीजर के बारे में भी आपको समझाया था। सो फाइनली बस अब मैं इंटीजर से आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, और अब इंटीजर से आगे प्रोसीड करते हुए मैं आपको रेशनल नंबर की तरफ ले जाना चाहता हूँ, रेशनल नंबर के कंसेप्ट को आपको समझाना चाहता हूँ। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि नेचुरल नंबर्स, देन अगेन इमिडिएटली रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में कल भी बताया था कि नेचुरल नंबर जो है, दिस इज योर नेचुरल नंबर इज नथिंग बट 1, 2, 3 लाइक अप टू इंफिनिटी। होल नंबर के बारे में आपको बताया था कि जो है 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। एंड इंटीजर, इंटीजर को हम लोग जनरली जेड से लिखते थे, कहीं कहीं बुक्स में आई से भी लिखा होता है। इंटीजर के बारे में आपको बताया, इंटीजर इज नथिंग बट यहाँ पे एक तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एंड अप टू इन्फिनिटी, एंड अगेन हियर इट इज -1, -2, -3, -4 लाइक दिस, इट इज अप टू -∞। तो ये हमारा इंटीजर वाला कंसेप्ट था जो मैंने कल आपको बहुत ही डिटेल्स में बताया था। नाउ लेट्स कम इमिडिएटली टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के कंसेप्ट में हमने आपको रेशनल नंबर के कंसेप्ट के तरफ आपको ले जाना चाहते हैं। रेशनल नंबर, जब रेशनल नंबर के बारे में आपको बात करते हैं तो रेशनल नंबर में मैंने आपको बताया था कि लेट अस सपोज आपके पास एक, ये आज के जमाने का एक पिज्जा है जो जनरली बच्चे खाते हैं। सो अगर दो भाई को अगर शेयर करना होता तो हम लोग क्या करते थे, इसको दो पार्ट्स में से डिवाइड कर देते थे, चाकू से इसको काट देते थे, जो है नाइफ से लिया और इसको काट दिया। अब मम्मी या पापा बोलते थे कि बेटा हाफ तुम ले लो और हाफ तुम ले लो। ठीक है, ये हाफ क्या है, व्हाट इज दिस हाफ, दिस हाफ इज नथिंग बट योर रेशनल नंबर।
इस हाफ के बारे में सोचिए जो है, इस 1/2, यू सी हियर इट इज दिस 1/2, ये क्या है? दिस बिलोंग्स टू इंटीजर, ये एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि रैशनल नंबर इज नथिंग बट इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर। दिस इज अ नंबर, इस फॉर्म में अगर होता है इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में तो उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो है। अगेन दूसरा हमने आपको ये बताया था कि अगर ये पिज्जा अगर आपको दो भाइयों में डिवाइड करना होता तो आप देखेंगे कि दो भाई में एक बड़े भाई को क्या चाहिए और छोटे भाई को क्या चाहिए। सपोज कीजिए कि इस तरफ से ये पिज्जा को डिवाइड किया जाता, ये छोटे भाई को मिलता और ये बड़े भाई को मिलता, तो आप क्या बोलते? आप ये बोलते कि छोटे भाई को चौथाई हिस्सा मिला है 1/4, जबकि बड़े भाई को क्या मिला है? बड़े भाई को 3/4। बड़े भाई को क्या मिला? 3/4, 3/4, और छोटे भाई को 1/4। ये 3/4 है ना, 3/4, दिस इज योर रेशनल नंबर। 1/4, दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक बात ऐसे बता दूं कि मान लीजिए कि थोड़ा सा ऐसे समझिए कि अगर आपके पास सपोज कीजिए कि ये 1, 2 एंड 3 तीन पिज्जा होता और सपोज कीजिए कि दो भाइयों में बांटना होता, तो हम लोग क्या करते? ऐसे करते और ये पार्ट और ये पार्ट सपोज कीजिए कि एक भाई के हिस्से में आया, दूसरे भाई के हिस्से में ये पार्ट गया। क्या बोलते हैं आप? तीन पिज्जा था और ये तीन में आप देखिएगा 1/2, 1/2, दो दो भाई को मिला, तो आप क्या बोलेंगे कि इस भाई को कितना मिला? इस भाई को मिला 3/2 और इसको भी मिला 3/2, 3 का आधा इनको मिला, 3 का आधा इनको मिला। ये 3/2 भी जो है ना रेशनल नंबर है। सो रेशनल नंबर का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। आप एक इंटीजर ले लीजिए ऊपर और एक इंटीजर नीचे ले लीजिए, बस इंटीजर बाय इंटीजर, वो आपको एक रेशनल नंबर है। क्लियर है ना कंसेप्ट? इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इज नथिंग बट योर रेशनल नंबर। हाँ, मैं आपको एक चीज की तरफ जरूर ही ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये जो रेशनल नंबर कंसेप्ट है उसमें आप एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, तो इसमें आपको मैं एक जरूर बात बोलूंगा कि नीचे वाला जो इंटीजर है ना, इसमें 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर में ना हम 0 से भाग नहीं दे सकते। किसी भी नंबर में अगर आप 0 से भाग दे दीजिएगा तो यू विल गेट इनफिनिटी, अनडिफाइंड नंबर मिल जाएगा। मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर्स में आप अगर 0 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट अ नंबर विच इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी विच इज अनडिफाइंड, जिसका डिफिनीशन नहीं है, ठीक है? सो किसी भी नंबर को 0 से भाग नहीं दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, ये जो इंटीजर नीचे है ना, इसमें आप लिख सकते हैं नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर, मतलब एक ऐसा इंटीजर जिसमें 0 नहीं होगा, मतलब 0 को छोड़ के बाकी जो भी नंबर लेना है वो बॉटम में, बॉटम वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। इसको बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर, नीचे जो नंबर होता है ना उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डी नो मी ने टर, और जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
सो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा, ये कंसेप्ट क्लियर है कि रैशनल नंबर इज नथिंग बट इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, लेकिन जो नीचे डिनोमिनेटर में जो हम इंटीजर बोल रहे हैं उस इंटीजर को हम लोग कहेंगे कि वो नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। इसी चीज को मैथ्स के बुक में क्या लिखते हैं या हम लोग जनरली क्या लिखते हैं वो देखिए, जो है बुक्स में इस तरह से लिखा होता है। लेट्स सी, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बुक्स में इस तरह से लिखा होता है रैशनल नंबर के बारे में, ऐसा लिखा होता है, आप ध्यान से देखिएगा बुक्स में रैशनल नंबर के बारे में, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये चीज लिखा होता है रैशनल नंबर का जो डिफिनीशन होता है ना उसमें, आप देखेंगे रैशनल नंबर का जो डिफिनीशन लिखा होता है उस नंबर्स में लिखा होता है उसका, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी डिवाइडेड बाय क्यू इज नथिंग बट रैशनल नंबर वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर फैमिली से आता है, बट q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q को जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब 1/2, 3/2, 4/2। देखिए ऊपर में p पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यू रिमेंबर p पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, q पे सिर्फ रेस्ट्रिक्शन है कि q जीरो नहीं होना चाहिए, वो निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अब p पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, p जीरो हो सकता है, यू कैन राइट जीरो डिवाइडेड बाई, तो अभी अब हम आपको जो एग्जांपल्स देते हैं उसमें देखिए, अब एग्जांपल्स में देखिए, चलिए पी पे चलते हैं, पहले पी हमारा जीरो हो सकता है तो जीरो बाई क्यू, क्यू कुछ भी ले सकते हैं आप, 1, 0/2, 0/5, 0/-2, ये सब चीज हमारा रैशनल नंबर में काउंट होगा। अगेन पी हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, 0 कुछ भी हो सकता है, कौन इसके बारे में, पी के बारे में बोल रहा हूं, क्यू के बारे में, क्यू डिवाइडेड में, क्यू क्या है, क्यू भी हमारा इंटीजर में आता है, जीरो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम लोग 1/1, 1, 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 सब हमारा क्या है, नाउ इट बिकम्स योर, दिस इज योर रैशनल नंबर। तो आप देखिए 1/1, 1 हुआ, 2/1, 1 हुआ, 3/1, 1 हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि जितना भी इंटीजर था उसमें अगर सिर्फ सिर्फ 1, 1 से ही भाग दे देते तो हमको जो भी मिलता वो भी रेशनल नंबर होता। तो आप ये बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है ना, जितने इंटीजर है वो रेशनल नंबर है। अब मान लीजिए कि इस 1 की जगह कुछ और रख देते, मान लीजिए अगर हम 2 रख देते तो ये 1/2 हमारा होता, मान लीजिए यहाँ पे 1 की जगह हम कुछ रख देते, से मान लीजिए 2 भी रख सकते थे, इस 1 की जगह पे हम 5 भी रख सकते, इस 1 की जगह पे -4 भी रख सकते, इस 1 की जगह पे 6 भी रख सकते, इस 1 की जगह पे 8 भी रख सकते, इस 1 की जगह पे हम 2 भी रख सकते हैं, इस 1 की जगह पे हम 11 भी रख सकते हैं, इस 1 की जगह पे हम 1000 भी रख सकते हैं, इस 1 की जगह पे हम 5000 भी रख सकते हैं, कुछ भी नंबर ले लीजिए, बस आप नीचे इंटीजर होना चाहिए, सिंपली कॉन्सेप्ट है नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं ये आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर समझ पाए हैं कि अब जो है अगर कोई रैशनल नंबर कहता है तो रैशनल नंबर जैसे कहता है तो पी डिवाइडेड बाई क्यू,
पी पे कोई कंडीशन नहीं है, पी हमारा इंटीजर होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। क्यू पे हमारा सिर्फ क्राइटेरिया है कि जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शर्त नहीं है कि पी बड़ा होगा, क्यू छोटा होगा, क्यू छोटा होगा, पी बड़ा होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिंपली पी बाई क्यू, जहां पे पी भी इंटीजर, क्यू भी इंटीजर, सिर्फ क्यू में जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इंटीजर बाई इंटीजर इज नथिंग बट रेशनल नंबर। अभी मैंने आपको ये टॉपिक जो है ना रेशनल नंबर के बारे में सिंपली थोड़ा सा कंसेप्ट बताया। अब अगले वीडियोस में जो है मैं आपको फिर से कंसेप्ट को आगे इलेबोरेट करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई दो रेशनल नंबर हैं तो उनके बीच में एक तीसरा रेशनल नंबर कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियोस हमारा पसंद आ रहा है और पढ़ाने की स्टाइल अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल पर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट्स जरूर लिखें, सो दैट कि अगर हमारे कोई पढ़ाने में कोई कमियां हैं तो मैं उसको काफ़ी इम्प्रूव कर सकूं। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी कमिंग सून।